हेलो स्टूडेंट वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून और uh, कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस कर लेते हैं तो पहला आपका जो न्यूज़पेपर में रहा अगर आप देखें न्यूज़ कटिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है कि इंडिया टू सी वॉर्मर समर एज एलिनो कंडीशन तो यहाँ से क्या हो सकता है कि आपका जो एल नीनो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं जैसे कि आप अभी अपनी इमेज में सामने देख रहे हैं कि जो एलिनो कंडीशन होती है ये कहाँ बनती है आपकी यहाँ पर पैसिफिक ओशन के यहाँ कह सकते हो साउथ पैसिफिक ओशन में बनती है नियर टू पेरू एंड चिली या आप ऐसे भी समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और नीचे पेरू और चिली के बीच में जो आपका है यहाँ पे आपका एल निनो कंडीशन बनती है यानी कि एल निनो कंडीशन को आपको दूसरे एक एक टर्मोलॉजी में अगर समझा जाए तो वार्म वाटर कंडीशन आपकी बनती है इसके बारे में यहाँ कुछ नोट्स बना रखे हैं मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से कि एल नीनो ऑल्सो कॉल्ड एल नीनो साउथ ऑसोलेशन इज इ क्लाइमेटिक टर्म दैट शो इेगुलर क्वाजी पीरियड वेरिएशन इन विंड एंड सी सरफेस टेम्परेचर ठीक है सी सरफेस टेम्परेचर ओवर द ट्रॉपिकल पैसेफिकास तौर पर साउथ के तरफ ये आपका क्रिएट होता है देन सेकेंड पॉइंट अगर आप देखें जैसे मैंने बताया है कि समुद्र का जो गर्म होना होता है उसी को आप सरफेस का मतलब उसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं आपका वार्म फेज ऑफ द सरफेस टेम्परेचर आपके एम सी क्यू में पूछ सकते हैं कि भाई एल नीनो में बताओ एक्चुअल में क्या चीज़ होती है फिजिकली क्या चीज़ होती है तो वहाँ पे लिखा होगा कि जो सी सरफेस है वो उसका टेम्परेचर Uh, क्या हो जाता है बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है एंड द कूलिंग फेज ठीक इसका उल्टा क्या होगा लालिनो तभी मैंने ये वर्ड रखा है एल लिनो और ला नीनो। तो अगर आपको एल लिनो समझ में आ गया कि वॉर्मनेस ऑफ सर्फेस टेम्परेचर होती है तो ठीक इसका अपोजिट लालीनो होगा जब आपका जो सरफेस होती है ओशन की वो कोल्ड हो जाती है देन एल लिनो इज एसोसिएट विद हायर देन नॉर्मल सी लेवल प्रेशर ओवर द इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया एंड अक्रॉस इंडियन ओशन

कई सालों से जब से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लाइमेटिक uh, जो चेंजेस होते हैं तो ये हर दो से लेकर सात साल में आपका रिपीट होता है देन एल नीनो एंड ला लालिनो एफ द ग्लोबल क्लाइमेट एंड डिस्टर्ब नॉर्मल वेदर पैटर्न करता ये एज अ रिजल्ट कैन लीड टू इंस्टेंट स्ट्रॉन्ग इन स्मॉल प्लेस सम प्लेसिज एंड ड्रॉट इन अदर्स एल नीनो का मतलब बताया गया द लिटिल बॉय इन स्पेनिश भाषा में रेल लीनो ब्रिंग रेन टू साउथ अमेरिका एंड ब्रिंग ड्रॉट टू इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और हमारे यहाँ भी जो इंडिया है उसके पार्ट में आता है जब भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा और मैं इसको इलाज कर देता हूँ थोड़ा तो सा और इसको मैं इलाज कर देता हूँ जैसे आप देख रहे हैं कि आई एम डी ऑन फ्राइडे मोर हीट वेवस देड ओवर नॉर्थ ईस्ट पेनसुल्डिया तेलंगाना आंध्रा एंड नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका इन मैनी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड उड़ीसा यानी कि ये वो इलाके होंगे जो आने वाले मार्च अप्रैल मई तक में बहुत सीवियर टेम्परेचर को क्या करेंगे फेस करेंगे ठीक है तो ये हमारा एक न्यूज में था अब वापस आते हैं दूसरी न्यूज देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स में आ सकती है सेकंड ये रखी मैंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ठीक है ये आपकी जो है इसके बारे में अगर पढ़े न्यूज में क्या है इन अ मेगा इंटरनेशनल इवेंट हेल्ड ऑन नाइन्थ अप्रैल टू थाउजेंड एट मैसूर कर्नाटका टू कमरेट फिफ्टी ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर आपको तो बताइए में शुरू हुआ था तो पी एम नरेंद्र मोदी लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि आई बी सी ए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है कब लॉन्च हुआ तो नाइन्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को लॉन्च हुआ इसमें करेंगे क्या तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कंजर्वेशन ऑफ सेवन बिग कैट्स आपसे पूछ सकते हैं कितनी बिग कैट्स को बचाने के लिए आई शुरू हुआ है टाइगर लॉइन लेपर्ड स्नो लेपर्ड चीता जैगवार एंड प्यूमा ठीक है देखिए क्या लिखा हुआ है द अलायंस एम टू रीच आउट टू 97 सेवन रेंज कंट्रीज कवरिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर लॉइन जो भी आपके सेवन है उनके बारे में देन द मिनिस्ट्री ऑफ बिग कैट रेंज कंट्री नॉलेज एंड अप्रीशिएट द लीडरशिप ऑफ इंडिया इन बिग कैट कंजर्वेशन और हम वो कर ही रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर एक एक स्लोगन भी दे दिया गया है कि सबका सबका साथ सबका विकास सबका शौ सबका प्रयास से ही हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बजा सकते हैं तो ये एक आपकी न्यूज़ आपकी रही ठीक है चलिए एक थर्ड न्यूज़ और देख लेते हैं हम लोग जो मैंने रखी है वो है आपका ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया है अब इसको देख लेते हैं न्यूज में किस तरीके से आपका आया था टिकोडिंग द स्क्रिप्ट फाइंडिंग फ्रॉम द जीनोम सिक्वेंसिंग मस्ट बी शेयर वाइडली जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो यहाँ से जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं आप प्रोजेक्ट चाहे आप एम सी क्यू की तैयारी कर रहे हो या मींस की तैयारी कर रहे हो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एंड कॉर्डिनेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अनाउंस दैट इट हैड फिनिश्ड असिंग टेन थाउजेंड इंडियन जीनोम्स ठीक है अच्छा फिर यहीं से मिल जाता है कि इंडिया ने जो है अपना फर्स्ट जो जीनोम प्रोजेक्ट था वो कब आपका सिक्वेंस किया था 2006 याद रखना फिर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से है क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्यूजडे ऑफिशल अनाउंस द कम्पिशन ऑफ 10,000 थाउजेंड जीनोम प्रोजेक्ट एन अटम्प टू क्रिएट अंस डाटा बेट ऑफ होल जीनोम सिक्वेंस ऑफ इंडिया ठीक है और फिर यहाँ से एक डाटा मिल जाता है जो आपके एम सी आ सकता है कि इंडिया ने सबसे पहला कंप्लीट ह्यूमन जीनोम कब तैयार किया था तो दो आप टिक करके आना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड किसी से इंस्पायर्ड भाई किससे भाई बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पे चला था आपका 1990 में शुरू हुआ था और 2003 में जाके पूरा हुआ था ठीक है और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या ये मेरी वेबसाइट है इक्वटर अकेडमी डॉट इन उसमें आप ब्लॉग्स में जाएंगे ब्लॉग्स में जाने के बाद आप ये करंट अफेयर्स वाले सेक्शन 2024 में टिक करेंगे तो आपको ये सारी जो न्यूज है ये आपको लगातार मिल जाएंगी जो लगातार मैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से अपडेट करता रहता हूँ